ये जो लड़ाई चल रही है ये विचारधारा की लड़ाई है। चुनाव हो रहे हैं अभी, लोकसभा का एक बड़ा चुनाव हुआ, बड़ा युद्ध हुआ, और अभी ये छोटा हरियाणा में उसी विचारधारा का एक युद्ध हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को संविधान से चलाना चाहिए। हम कहते हैं कि आजादी की लड़ाई का फल ये अंबेडकर जी का, गांधी जी का संविधान है, ये सबका है, और इसमें सबको फायदा होता है। जब हम देश के बारे में सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं, प्रगति के बारे में, संस्थाओं के बारे में, सेना के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, यहां से शुरू करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो संविधान को मानते नहीं है, वो इसको खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। देखिए, ऐसे भाषण में वो आपको कभी ये बात बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि देश को संविधान के साथ, देश का संविधान के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। तो सामने आके नहीं कह सकते हैं कि हम संविधान को रद्द करना चाहते हैं, मगर जो भी वो करते हैं संविधान को कमजोर करने के लिए करते हैं।